अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद आलम खान। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ, और इसके अलावा मैं जो है साथ में अपनी सर्विस भी कंटिन्यू करता हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर मैं एम्प्लाई हूँ। डायलिसिस के बाद जो है मैं अपनी सर्विस को भी टाइम देता हूँ, और इस वजह से जो लोग समझते हैं कि डायलिसिस की वजह से लोग जो है वो मतलब बीमार अपने आप को समझने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान अपना जो है वो अपनी लाइफ को बहुत तरीके से और सक्सेसफुली कंटिन्यू कर सकता है। मेरा नाम मोहम्मद सैफ खान है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर ब्लड प्रेशर, ये 2 साल से मेरा डायलिसिस जो है वो हो रहा है। मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कई जगह डायलिसिस करवाया, सब जगह बेहतर था, लेकिन जब मैंने यहाँ का सर्वे आकर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माहौल अच्छा है, डॉक्टरों की सर्विस अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी हूँ। कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी बेसिकली गुर्दे के मरीजों के माहिर होते हैं। यहाँ पर दारुसेहत हॉस्पिटल में हम गुर्दे के मरीजों को जो डायलिसिस पे चले जाते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से, डायलिसिस की सहूलत फराहम करते हैं। डायलिसिस एक ऐसा मरहला है जो कोई भी पेशेंट अपनी मर्जी से नहीं करवाना चाहता, लेकिन हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डायलिसिस कोई ऐसी मोडालिटी नहीं है जिससे उनकी जान को खतरा है। डायलिसिस के बदौलत वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजार सकते हैं जैसे कि नॉन डायलिसिस पेशेंट्स गुजारते हैं। डायलिसिस के मरीजों का दारुसेहत हॉस्पिटल में स्पेशल ख्याल रखा जाता है, उनकी सेहत का, उनकी दवाइयों का। जब वो यहाँ डायलिसिस के लिए आते हैं तो ना सिर्फ उनकी सिर्फ डायलिसिस की जाती है, बल्कि हमारे यहाँ के स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स उनका मुआयना करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करते हैं। एक हम घर जैसा माहौल डायलिसिस के पेशेंट्स को मुहैया करते हैं ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि वो मरीज है, और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम पेशेंट्स को, मरीजों को सेटिस्फाई करके भेजें। यहाँ पर जब मेरा विजिट हुआ तो मैंने डॉक्टर इजाज से मेरी मुलाकात हुई थी ओपीडी में, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पर विजिट करने का बताया, तो फिर मैं यहाँ पर आया। तो इधर मैंने जो एटमॉस्फेयर देखा यहाँ का, जो सेपरेट माहौल है, और जो सबसे बड़ी बात क्या सुकून है, इसी वजह से मैं फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। वैसे तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर ये फैसिलिटी यहाँ पर जो है वो कहीं भी मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 हॉस्पिटल्स में विजिट किया है, तो जिसकी वजह से मुझे ये फैसिलिटी यहाँ पे लगी। हमारे डॉक्टर सीमा साहबा जो हैं वो भी 4 महीने से हमारे साथ हैं, तो हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारा बड़ा अच्छा ख्याल किया जाता है। यहाँ के जो डॉक्टर एजाज साहब हैं वो भी हमारे इस तरह ख्याल रखते हैं। यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं वो भी हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। महीने में 13 दिन जो है हमारा डायलिसिस होता है, कभी अप डाउन हो जाता है, लेकिन कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम आई हो। हमारा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करते हैं। दारुसेहत डायलिसिस यूनिट में हम 24 घंटे की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन केस किसी की डायलिसिस मिस हो जाती है या वो किसी वजह से अपने टाइम पे नहीं पहुंच सकते, तो हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं कि जो टाइम उनके लिए फिजिबल है वो उस टाइम पे आ जाएं, और 24 आवर सर्विस इसी वजह से हमने उनके लिए स्टार्ट किया है। यहाँ की जो सर्विसेज हैं, पेशेंट केयर है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट हमारा इंटर होता है डायलिसिस यूनिट, पेशेंट का वेट चेक किया जाता है। उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग द डायलिसिस पेशेंट के वाइटल्स चेक किए जाते हैं, और थ्रू आउट द डायलिसिस पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अगर इनकेस कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होता है तो उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाता है, और पेशेंट का जो डायलिसिस है काफ़ी स्मूथली जो है वो किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो सहूलत हम आपको मुयस्सर करें उससे आप सेटिस्फाई रहें, और आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त हमारे मुआइंदे से बात कर सकते हैं और डायलिसिस का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर इस चीज़ में कोई भी दुश्वारी आपको महसूस होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायलिसिस यूनिट में।